क्वेश्चन में फिगर शोज कुछ ट्रांजिशन शो कर रही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 2e एनर्जी है इस लेवल की, 4e बाई 3 एनर्जी है, इसकी e है और इसकी 0 एनर्जी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है सिस्टम मूव फ्रॉम 2e, ये कैपिटल e है, तो 2e से e पे वो वेवलेंथ कितनी एमिट करती है, लैम्डा। तो बताओ अगर उसकी ट्रांजिशन 4e बाई 3 से e पे है तो वेवलेंथ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो उसने क्या बोला, अगर ट्रांजिशन 2e से e है तो वेवलेंथ लैम्डा है, और अगर ट्रांजिशन 4e बाई 3 से e है तो वेवलेंथ लैम्डा डैश है। तो तुम इन दोनों को डिवाइड कर लो, लैम्डा डैश इन टर्म्स ऑफ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों का एनर्जी का डिफरेंस एच सी बाई लैम्डा अप्लाई कर देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर आपकी ट्रांजिशन कहाँ पर है, कह रहे 2e से e है तो वेवलेंथ लैम्डा है, और अगर आपकी ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ है वेवलेंथ लैम्डा डैश है। ठीक, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। तो करना कुछ नहीं है, एनर्जी का डिफरेंस एच सी बाई लैम्डा से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मार्क करना, सेकंड का, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो ए ऑप्शन। कितनों का आ गया? तो क्वेश्चन है कि इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट विद लेवल 3 to level 2, 3 से 2 की जंपिंग हो रही है तो वेवलेंथ बताओ। आसान क्वेश्चन है, 1 by lambda का फॉर्मूला आपको आता ही है, रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 by final लैंडिंग कहाँ पर हो रही है, 2 पे और 3 से 2 पे, तो ये 3 और ये 2 आंसर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। द फॉर्मूला एकदम परफेक्ट हो, 3-4 फॉर्मूले तो घूम के यूज हो जा रहे हैं, या तो 1 by lambda का फॉर्मूला है, ये एनर्जी का डिफरेंस एच सी बाई लैम्डा है, ये एनर्जी का डिफरेंस एच इंटू न्यू है, बस वही बेसिक क्वेश्चन है ही, कुछ नहीं इसमें करने वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट फोर्थ करना है, फोर्थ। नहीं है, ये देखो क्वेश्चन है, एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट। तो वो कह रहा है जी ग्राउंड स्टेट्स पे आ गया, एन इज इक्वल टू 1 पे आएगा, द क्वांटम नंबर एन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट क्या है, तो कहाँ से आया ये बताओ, एन की वैल्यू बताओ और फाइनल कहाँ पर लैंड कर रहा है, एन इज इक्वल टू 1 पे। लैम्डा बताना है, लैम्डा गिवन है तो लगा लो, 1 by lambda का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू फाइनल कहाँ पर है, 1, कहाँ से आ रहा है, एन से, कर लो सिंप्लीफाई, एन आ गया, फॉर्मूला तो एक ही आता है ना 1 by lambda का, उसी को लगाया जाओ बस। ठीक है यहाँ तक? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। तो घूम फिर के वही 5-7 क्वेश्चन घूमे जाएंगे मैं बता रहा हूँ आपको, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही आने हैं। नेक्स्ट जो करना है ये क्वेश्चन करना है, ये 7th।
याद है फॉर्म, एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, याद रहे, याद है, सुना सकते हो फॉर्मूला, याद है? मेरे को तो याद नहीं है। देखो आपको क्या करना है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो एक्सेलेरेशन कौन सी होती है? सेंट्रिपिटल। इलेक्ट्रॉन के पास तो सेंट्रिपिटल है, सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। अब अगर मैं वी बता दूं तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और आपको इलेक्ट्रॉन घूमने में एक ही क्वेश्चन आती है, एम वी आर इज एन एच बाय 2 पाई। तो वह फर्स्ट शेल में घूम रहे हैं, एन इज इक्वल टू 1, तो एक्सेलेरेशन वी स्क्वायर बाय आर। तुम इस इक्वेशन से वी निकाल लो और इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो आंसर, तो एनसीईआरटी के अंदर की डेरिवेशन भी है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यार, टू फाइंड द एक्सेलेरेशन। ठीक है, लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसमें लिखा हुआ है, तो यार ये प्रूफ भी नोट कर ही लो, अगर एनसीईआरटी का है तो प्रूफ ही ना आ जाए। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे लिख लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी की शीट में लिख लेना एक्सेलेरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की डेरिवेशन। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये याद है तो पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करना है, सिक्स्थ, सिक्स्थ। क्वेश्चन में ये गिवन है, डिफरेंस बिटवीन एनथ एंड एन प्लस वनथ बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू एन माइनस वनथ बोहर रेडियस। तो एन बोलो, देखो रेडियस का तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, हाइड्रोजन के केस में सब कॉन्स्टेंट इन टू एन स्क्वायर। वो ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन एनथ रेडियस एंड एन प्लस वनथ बोहर रेडियस, तो एन प्लस वनथ रेडियस में से एनथ रेडियस को माइनस किया तो उसका डिफरेंस एन माइनस वनथ रेडियस के इक्वल आ रहा है। तो ये इक्वेशन समझ में आई? अब इस इक्वेशन में रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट इनटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना एन स्क्वायर, और यहाँ पर कितना एन माइनस वन का होल स्क्वायर। बनाओ क्वाड्रेटिक, ओपन करके आंसर निकाल लेना। इसमें दो सॉल्यूशन निकलेंगे, एक एन इज इक्वल टू 0, एक एन इज इक्वल टू 4। 0 नंबर शेल नहीं होता, छोड़ देना, 4 मार्क कर देना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कैसे सोचना है इसमें? ठीक, नेक्स्ट ये वो ये वाला क्वेश्चन, नाइन्थ। ऐसे बहुत क्वेश्चन मेंस और नीट में आते हैं, एनसीईआरटी में भी ये वाले क्वेश्चन। तो इसका एक ही ट्रिक है, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई। देखो ये खत्म नहीं हुआ, एक चीज़ याद रखना, मैंने एटम खत्म नहीं किया, मैं ड्यूल नेचर आज स्टार्ट करूंगा, तो एक बार ये खत्म करके फिर मिसलिनियस प्रॉब्लम्स आएंगी, पी वाई क्यू आएंगे एटम और ड्यूल नेचर के, फिर मिक्स सिस्टम है फिर ना, क्योंकि ये चीज़ें ना मिक्स ही चलती हैं सारी। तो फिर मैं एक बार ये खत्म करके उसके बाद ये सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि फटाफट से रिविजन हो जाए आपकी। तो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई
तो बाइंडिंग एनर्जी ई वन और ई टू है, तो यानी कि इसके अंदर एनर्जी एक्स की ई वन है और वाई की ई टू है। वो कह रहे हैं कि टू एटम ऑफ एक्स फ्यूज मिल गए और फिर क्या हुआ, वाई और एनर्जी निकलती है। तो इक्वेशन लिख ली, तो टू एटम ऑफ एक्स मिलके वाई बाहर निकालते हैं और क्यू भी बाहर निकालते हैं, एनर्जी बाहर निकलती है। अब आपको ये बताना है इसमें क्यू की वैल्यू क्या है। अब क्यू की वैल्यू में एनर्जी रिलीज बतानी है कितनी है, तो इसमें एक ही स्टेप करना है आपने, इसके अंदर प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, सिंपल है। प्रोडक्ट की वाई की एनर्जी कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई माइनस टू इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, तो आंसर लिख देना ई टू माइनस टू इंटू ई वन, सिंपल। तो यहाँ से आंसर आएगा, तो आज के बाद ये क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेप लगा देना, आंसर आ जाएगा। हो सकता है वो क्वेश्चन वैल्यूज के साथ दे, ई वन ई टू ना दे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी से, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है इलेवेंथ, व्हेन दिस न्यूक्लियाइड डीकेज इन सीरीज बाय एमिशन ऑफ थ्री अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल्स, तीन अल्फा पार्टिकल निकले और एक बीटा पार्टिकल निकला, तो एक्स आइसोटोप निकला, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो तीन अल्फा पार्टिकल निकले और एक बीटा पार्टिकल निकला, बीटा बाय डिफॉल्ट बीटा नेगेटिव होता है। जब तीन अल्फा पार्टिकल निकले तो सोचो ना, तीन इंटू हीलियम फोर टू, तो तीन इंटू चार बारह, तो इसमें से बारह सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो टू टू फोर, तीन इंटू दो छः, तो 84 में से 6 माइनस करके 78। तो उसके बाद क्या निकालना है, बीटा, तो 224 प्लस 0 तो 224 है, और 78 में क्या करें कि माइनस वन के हिसाब से क्या आएगा, 79, क्योंकि ये ना ये यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे ऐसे निकालना होता है ये यहाँ पे, तो यहाँ से ऐड करके 78। अभी क्वेश्चन सही बैठेगी, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सिर्फ यही नहीं, वैसा भी दे सकता है, ये देखो ये इतनी बड़ी चेन दे देगा आपको, वो कहेगा कि इसके अंदर ये अल्फा निकला, बीटा निकला, अल्फा निकला, गामा निकला, और फिर जो ये वैल्यू आई वो आई आपकी 172 और 69 आई। अब उल्टा चला दो, गामा में तो सेम ही रहता है, प्रॉब्लम ही खत्म है, कुछ चेंज नहीं है। फिर अल्फा निकला, तो नॉर्मली अल्फा यहाँ पे करते हैं, तुम यहाँ पे लगा दो, मतलब उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें ऐड कर दो, तो समझ में आ रहा है ना। जैसे इसकी वैल्यू मान लो 172 है और इसकी 69 है, तो ऑब्वियसली अल्फा निकला होगा, तो अल्फा कैसे निकला होगा, अल्फा ऐसे निकला होगा, तो तुम इसमें ऐड कर देना, 176 हो जाएगा, और इसमें ऐड करोगे 71 हो जाएगा। फिर तुमने क्या निकाला, बीटा निकाला, बीटा भी यहीं लिखो, बीटा यहाँ निकाला, तो बीटा निकालने का मतलब यहाँ पर 176 ही रहेगा और यहाँ पर 70 आ जाएगा, 71 माइनस 1 70। फिर अल्फा पार्टिकल निकाला, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ऐड कर दो, हीलियम 42, तो ये 180 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। उल्टा चलाना शुरू करना है, सीधा भी आना चाहिए, उल्टा भी आना चाहिए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है सर, हाँ जी, मेरे को वो बाइंडिंग एनर्जी वाला दोबारा बताना। मैंने ये नाइन बताया कि तुमने कुछ नहीं करना, तुमने रिएक्टेंट की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस कर देना है, तो वो क्यू ओके वैल्यू सर, देगी आपको। जो प्रोडक्ट बना वो वाई बना ना, और रिएक्टेंट कौन था, एक्स था। यस सर, यस। ये देखो, ये हर बुक में ऐसा क्वेश्चन गिवन है, इस पर देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम एंड चार्ज जेड डैश, तो एक प्रोजेक्टाइल है, चार्ज जेड डैश है, तो इसका चार्ज जेड डैश एटॉमिक नंबर है, तो जेड डैश ई चार्ज है, और स्पीड इसकी यू है। तो आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर एक न्यूक्लियस पड़ा था जेड ई का, तो शुरू में ये बहुत दूर है, ये पास आया पास आया पास आया, अब एक इतना पास आ गया कि ये इसे रिपेल कर सके, इसने इसे रिपेल किया और ये इस तरीके से चल पड़ा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यू डैश हो गई, जब ये चला था वेलोसिटी यू है, और यहाँ पे वेलोसिटी यू डैश हो गई और डिस्टेंस एस हो गया। तो आपको सबसे पहले तो एस निकालना है एक, फिर आपने स्पेशल केस बनाना है कि बी का मतलब यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर है, हमने किया था, ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से कितनी दूर आपका ये कोई भी पार्टिकल आ रहा है उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। वो कह रहे हैं पहले एस निकाल दो, फिर बी को जीरो एज्यूम कर लो, बी को जीरो एज्यूम कर लो,
जब बी को जीरो एज्यूम करोगे तो कह रहा है एस को आर नॉट पुट कर लो और प्रूव करो एस आपका आर नॉट जो है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के इक्वल आएगा। चलो उसको बाद में करते हैं, तुम पहले एस निकालो। तुम्हें ऐसा फील आएगा जैसे ये सन के आसपास अर्थ जा रही है। फर्क ये है कि अर्थ की फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होती है, अर्थ घूमना स्टार्ट कर देती है और ये रिपल्सिव होने की वजह से दूर जा रहे हैं। पर जब भी अर्थ रोटेट करती है, जब भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हो, एल कॉन्स्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बना, इसका एंगुलर मोमेंटम बना एम यू इंटू बी, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इंटू पी। तो एम यू लीनियर मोमेंटम है और डिस्टेंस एक्सिस इसका बी है, और यहाँ पे क्या बना एम यू डैश इंटू एस, लीनियर मोमेंटम इंटू एस। तो पहली इक्वेशन में क्या बनाना है, एम यू इंटू बी इज एम यू डैश इंटू एस, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं। फिर लगेगी एनर्जी कंजर्वेशन। जब पहला पार्टिकल चला था वो बहुत दूर था, उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक थी, बहुत दूर होने की वजह से पोटेंशियल जीरो थी। जब वो एस डिस्टेंस पे आ गया, पोटेंशियल क्या बन गई 1/4πε0 जेड डी इंटू जेड डैश ई, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना बन गया एस, और फिर काइनेटिक कितनी हो गई हाफ एम यू डैश का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? तो बहुत दूरी पे सिर्फ काइनेटिक है, पोटेंशियल तो होगी नहीं, एस डिस्टेंस पे काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। तो तुम यहाँ से यू डैश निकाल लेना, यहाँ पे पुट कर देना, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी एस की। एस निकालने को पूछा नहीं उसने, तो आ सकती है लेकिन, तो तुमने यहाँ पर यू डैश को ऊपर पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गई। अब एंड में उस क्वेश्चन में बोला गया स्पेशल केस कि तुम यहाँ पर बी को जीरो पुट कर लो और एस को आर नॉट पुट कर लो। तो जैसे ही तुमने बी को जीरो पुट किया ये उड़ गया, एस को तुमने क्या पुट किया आर नॉट पुट किया, आर नॉट से आर नॉट कट गया, तो आर नॉट की वैल्यू जब सॉल्व की वही आई जो प्रूव करने को बोल रहा है, चेक कर लो। और इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि जब बी जीरो होगा तो ये एस क्या बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं, मतलब कोई इतनी चिंता की जरूरत नहीं है, पर जो मैंने आपको शीट दिया आज होमवर्क के लिए उसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक, वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पे नहीं आते हैं।